अक्षय, हाँ सर, ज्योतिका, कांग्रेचुलेशंस, यस काफी अच्छा सर, मार्क्स लाए। जरा जरा आपके मार्क्स पे जरा एक नजर डालिए। ज्योतिका 569 टॉपर वही है ना, मालूम ही था मुझे, ये पढ़ती लड़की। ज्योतिका यस वीडियो ऑन कर ले, यस सर, वन सेकंड। बाकी सभी लोग भी वीडियो ऑन कर लो प्लीज। अक्षय 538 का मार्क है। अक्षय फिजिक्स कितना लाया बेटा, सर कैम में गिरा पूरा मार्क्स। मालूम मुझे फिजिक्स कितना है। 1 1 130। ले, कम है भाई। हाँ सर, यूएमडी में भी गए मेरे मार्क्स, बट मेन तो कैम में ही चले गए सारे। तुम लोग कांदीवली वाले बायोलॉजी के अंदर अच्छा काम कर रहे हो, अंधेरी विलेप वाले बायोलॉजी में कच्चे साले, वो लोग फिजिक्स केमिस्ट्री में ज्यादा अच्छे हैं। बिकॉज उनको फिजिक्स के अंदर हाईएस्ट 165 आ रहा है, 165, फिर 159। नितिन को अच्छा आया फिजिक्स के अंदर, 156 लाए थे। कहाँ यस मार्क आया, तो बायोलॉजी मार्क आया ना। सर, हाँ सर, बायोलॉजी बहुत गंदा कितना लाया बायोलॉजी में, टोटल है। 260। क्या कितना दे रहा, टोटल सर? मार्क्स कितना है फिर तेरा। अच्छा 532 है। अभी ये 500 550 वाले 600 क्रॉस करना मिलता है, पहले बता रहा हूँ ठीक है, फॉर द नेक्स्ट टेस्ट। बाकी के लोग जरा काम करो प्लीज, फिजिक्स में 120 से कम नहीं आना चाहिए। पहला टेस्ट है इसलिए कुछ नहीं बोल रहा हूँ, नेक्स्ट टेस्ट के अंदर कम से कम इन फिजिक्स एटलीस्ट मोर देन 120। गुज्जू गर्ल्स, श्रेया, कुछ तो अच्छा ही लगे श्रेया में भी। सर कितना मार्क्स ले बेटा, 140, 40 something। नहीं टोटल कितना है, टोटल टोटल 507। 507 ना, 148 फिजिक्स। यार ये भी केमिस्ट्री में मार खा रही है, 112 मेरे को केमिस्ट्री केमिस्ट्री। की बात करना है। तुम लोग के फिजिक्स में ही मार्क्स अच्छे। ज्योति का 140, अक्षय 130, नितिन 156, शुभम वेरी नाइस, शुभम 531 मार्क। अश्विनी भी अच्छा है, अश्विनी कौन है ये, आई डोंट नो, प्लीज वीडियो ऑन करो बेटा। सर वीडियो ऑन है। देख क्यों नहीं रहा अश्विनी, हाँ है। कुछ नहीं देख रहा है बेटा, सिर्फ लाइट का रिफ्लेक्शन देख रहा है। एक मिनट सर, नहीं नहीं दिखा दिखा, समझ में आ गया। चलो ये सब मॉर्निंग बैच वाले ये ना, आयुष, निधि, दीपाली, कनक, सिलेस्ट। सिलेस्ट फिजिक्स में बहुत गंदा है बेटा, 92 है। इवनिंग बैच वाले में कोई आया है क्या? सर सेलर से टॉपर है इवनिंग बैच की। अच्छा यही टॉपर है क्या, 446। रिफाक भी आया है 430। सानी का इतना काम क्यों लेके आ रही है, सानी का आई है क्या मॉर्निंग बैच में, आई दोनों सेम बैच है ना। सानी का यस सर, वाई वाई सो लेस बेटा, केमिस्ट्री में तो पूरा मार खाई तू, और बायोलॉजी में भी। फिजिक्स ठीक है, चलो केमिस्ट्री 136 है फिजिक्स। सर, केमिस्ट्री का पेपर बहुत टफ था ना, तो उसमें मैंने 1.5 आवर दिया, तो मेरा बायोलॉजी का पेपर थोड़ा छूट गया। वैसे टाइम मैनेजमेंट कीड़े मत करो बेटा, वरना हालत खराब हो जाएगी। आई एम एक्सपेक्टिंग मोर देन 550 अबाउट फ्रॉम यू, नेक्स्ट टाइम प्लीज। देवांशी बायोलॉजी में तो पूरा मार खाइए बेटा।
बेकार वाला मार खाई। फिजिक्स 117, केमिस्ट्री 117 और बायोलॉजी 134। आस्था क्या मैडम, फिजिक्स पढ़ना नहीं है तुमको? 92 मार्क्स लिखला है। आस्था मनु, फिजिक्स कम है बेटा। मनु यस सर। 90 मार्क लाया बेटा, क्या ऐसा कर रहा है? नहीं पढ़ा रहा क्या? अच्छा, मैं ये नहीं, तो तू काम नहीं कर रहा है ना? ऐसा हाँ नहीं चलता बेटा, काम करना पड़ेगा। पूर्णिमा 78 फिजिक्स, अनुष्का ठीक है 114 है, केमिस्ट्री मतलब पूरा घान की है, 35 मार्क लाई है लड़की। दीपिका 55 फिजिक्स, प्रियंका 73, अनुराग गुप्ता कौन है भाई ये? इतना टॉपर कैसे निकला है? 11 मार्क लाया था इसके अंदर ये होशियार। जय 62, सना 77, सिंचना, सना भी है सिंचना भी है, वाह बेटा वाह। 85 इरम, 73, बाकी तो बहुत कम है, छोड़ दो। इवनिंग बैच वाले आप लोग काम नहीं कर रहे बेटा, थोड़ा काम करो प्लीज, ऐसा नहीं चलेगा। बहुत प्यारे से जा रहा हूँ, मेरे को तकलीफ ना हो, याद रखना अगर काम नहीं कर रहा है तो। यस सर। नेक्स्ट टेस्ट के अंदर जिसके 300 है वो लोग एक्सपेक्ट करो 400, 450 लाने के लिए, ठीक है? जो लोग 400 में वो 500 क्रॉस करो, और जो लोग 500 में वो लोग 600 क्रॉस करो, ठीक है? चल यस सर। आगे बात करते हैं। अभी हम लोग यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करेंगे। हमने इंस्टेंटेनियस, सभी लोग वीडियोज ऑन कर लीजिए, मेरे वाले में सो रहे थे बैठ के, सभी लोग वीडियो ऑन कर लीजिए। द लास्ट टॉपिक दैट वी गोना टॉक अबाउट दैट वाज कॉल्ड एज इंस्टेंटेनियस स्पीड के बारे में हमने बात किए थे, बराबर ना? अभी हम लोग यहाँ पर जो टॉपिक के बारे में बात करेंगे दैट इज कॉल्ड एज वेलोसिटी के बारे में बात होगी। किसके बारे में बात होगी? लेट्स टॉक अबाउट वेलोसिटी, ठीक है? वेलोसिटी, फिर हम लोग बात करेंगे एवरेज वेलोसिटी, फिर हम लोग बात करेंगे एवरेज वेलोसिटी के बाद वी गोना टॉक अबाउट इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, फिर हम लोग बात करेंगे एक्सेलरेशन, एवरेज एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, ठीक है? तो ये 6 पैरामीटर्स के बारे में पहले जरा बात करनी है, एंड देन हमें और एमसीक्यूज इसके ऊपर सॉल्व करने हैं। दैट इज द फर्स्ट थिंग दैट वी गोना वन। बाकी अब दिस आगे बात करें, एवरीवन हाँ सभी लोग है कि सो रहे हैं? यस सर। ठीक है चलो, तो यहाँ पर वेलोसिटी क्या होता है? वेलोसिटी कैन बी डिफाइंड एज द स्पीड को डिफाइन कर सकते हैं, इट इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ बॉडी पर यूनिट टाइम, बराबर ना? यस और नो? तो यहाँ पर क्या आएगा वेलोसिटी के अंदर, क्या आएगा? इट इज डिफाइंड एज डिस्टेंस की जगह पे क्या आएगा? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट यस, so that is defined as a displacement traveled by the body, ठीक है, during its motion per unit time is called as velocity. यहाँ पर I can say that the displacement, सिर्फ ध्यान दोगे बाद में टाइम दूंगा लिखने के लिए, covered by an object during its motion, during its मोशन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं बेटा उसे? वी कॉल इट एज व्हाट? वी कॉल इट एज वेलोसिटी, ठीक है? तो अगर वेलोसिटी के फॉर्मूले को मैथमेटिकली अगर मैं एक्सप्रेस करूं, सो इट इज बिन गिवन एज व्हाट? इट इज बिन गिवन एज डिस्प्लेसमेंट अपॉन क्या हो जाएगा? टाइम। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम हो जाएगा, ठीक है? नेक्स्ट थिंग, इफ आई टॉक अबाउट वेलोसिटी, देन कैन यू टेल मी वेलोसिटी इज अ स्केलर क्वांटिटी और इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी? यस प्लीज, वेक्टर वेक्टर क्वांटिटी, बिकॉज वेक्टर वेलोसिटी के अंदर डिस्प्लेसमेंट आ रहा है, बराबर? साक्षी बाद में लिखो बेटा, बोल रहा हूँ ना, पहले यहाँ पर ध्यान दो। तो वेलोसिटी के अंदर डिस्प्लेसमेंट आ रहा है, बराबर ना?
एंड वी नो दैट दिस डिस्प्लेसमेंट इज अ विच क्वांटिटी, दिस डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, हेंस वेलोसिटी इज ऑल्सो अ विच क्वांटिटी, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी. ठीक है, तो यहाँ पर आई कैन से दैट इट इज अ विच क्वांटिटी, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी. एंड नेक्स्ट थिंग इफ आई टॉक अबाउट इट्स यूनिट, तो SI यूनिट क्या होगा बेटा, बिकॉज डिस्प्लेसमेंट इज ऑल्सो मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मीटर, तो ये भी हो जाएगा मीटर पर सेकेंड हो जाएगा. ठीक है, एंड इफ आई टॉक अबाउट CGS यूनिट, तो CGS यूनिट जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, दैट विल बी सेंटीमीटर पर सेकेंड हो जाएगा. ठीक है, सो दैट इज द यूनिट. अभी फॉर अ मूविंग बॉडी स्पीड के बारे में बात किए थे, मूविंग बॉडी के लिए स्पीड हमेशा पॉजिटिव होती है, इट्स कैन नॉट बी नेगेटिव, इट कैन नॉट बी जीरो, एवरीवन नोस दैट, यस और नो, है ना? राइट, यस सर, बिकॉज़ यस सर, बिकॉज़ जो बॉडी मूव करती है उसका डिस्टेंस जीरो नहीं हो सकता, और डिस्टेंस अगर जीरो नहीं हुआ तो डिस्प्लेसमेंट भी जीरो, डिस्टेंस जीरो नहीं हुआ तो इसका मतलब स्पीड भी जीरो नहीं हो सकती. As well as distance cannot be negative also, so speed also cannot be negative. But if I talk about velocity, the velocity के अंदर आता है displacement आता है. So displacement can be positive, displacement can be negative, and displacement can be zero. Zero. So velocity can also be for a moving body, velocity can also be positive, negative, or zero हो सकता है. Is that clear? Yes or no? So यहाँ पर I can say that for a which body, for a मूविंग बॉडी. ठीक है, तो मूविंग बॉडी के लिए इफ आई टॉक अबाउट अ मूविंग बॉडी, आई कैन से दैट द वेलोसिटी कैन बी पॉजिटिव कॉमा नेगेटिव एंड जीरो. ठीक है, तो वेलोसिटी कैन बी पॉजिटिव, वेलोसिटी कैन बी नेगेटिव, वेलोसिटी कैन बी जीरो. अब मालूम कैसे पड़ेगा कि सर आपकी वेलोसिटी पॉजिटिव है, नेगेटिव है या जीरो है? तो मान लो कि अगर आपके पास ये ओरिजिन है, बराबर के नहीं, एंड हियर इफ यू आर गोइंग टुवर्ड्स राइट हैंड साइड ऑफ द ओरिजिन, दैट इज टुवर्ड्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस, देन वेलोसिटी इज टेकन एज पॉजिटिव. बिकॉज अगर वेलोसिटी नेगेटिव भी आ रही है तो इसका मतलब नेगेटिव वेलोसिटी का मतलब ये नहीं होता कि वेलोसिटी आपकी छोटी है. नेगेटिव साइन जस्ट इंडिकेट्स योर डायरेक्शन. क्या बताएगा बेटा आपको वो? डायरेक्शन बताएगा. सो इफ द ऑब्जेक्ट इज मूविंग टूवर्ड्स द राइट हैंड साइड ऑफ द ओरिजिन, देन इट इज ऑलवेज टेकन एज व्हाट? देन इट इज ऑलवेज टेकन एज पॉजिटिव. यस और नो? तो अगर आपका ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है टूवर्ड्स राइट हैंड साइड, मतलब ये मेरी तरफ से राइट हैंड साइड होगा, मतलब टूवर्ड्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस मूव कर रहा है, तो वेलोसिटी इज ऑलवेज टेकन एज व्हाट? वेलोसिटी इज टेकन एज पॉजिटिव. ठीक है, एंड सेकेंडली इफ आई से दैट इफ द ऑब्जेक्ट इज मूविंग टुवर्ड्स द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द ओरिजिन, ये है आपका लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द ओरिजिन, देन द वेलोसिटी विल बी टेकन एज नेगेटिव. सो पॉजिटिव एंड नेगेटिव जस्ट इंडिकेट्स व्हाट? पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी. इज दैट क्लियर? वेयर एज मैग्नीट्यूड रिमेन्स द सेम. ठीक है, am I clear with this? Yes. Yes, sir. All right. अभी यहाँ पर आगे बात करते हैं. Regarding next term, जिसको हम लोग बोलते हैं average velocity. क्या बोलते हैं बेटा उसे? We call it as which velocity? Average velocity. Is that clear? So how can we define average speed? Average speed को कैसे define किए थे? It is defined as the total distance traveled to that of total time taken. बराबर ना? Yes or no? अभी यहाँ पर velocity के बारे में बात कर रहे हैं. So if I talk about velocity, then I can say that that will be equals to total displacement traveled by the body per unit total time. ये होगा कि नहीं होगा? Yes or no? Right? तो यहाँ पर I can say that average velocity को हम लोग बोलेंगे. It is defined as the ratio of, it is defined as what? The ratio of the total displacement traveled by the body per unit total time taken by the body, total time
taken by the board. Is that clear? Yes, sir. Yes, sir. Alright. चलो अब यहाँ पर आगे बात करते हैं रिगार्डिंग नेक्स्ट. तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला अगर देखा जाए सो फ्रॉम हियर आई कैन से दैट माय एवरेज वेलोसिटी इज नथिंग बट दैट इज इक्वल्स टू माय टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन. That is my average velocity. ठीक है. अभी हम लोग यहाँ पर next topic, next parameter के बारे में बात करेंगे. That is called as instantaneous velocity के बारे में. ठीक है. और instantaneous के बारे में तो आपको पता है. क्या पता है? बोलो. Instantaneous का मतलब क्या होता है? The velocity at any instant of time. ठीक है. Immediate की बात कर रहे हैं. ठीक है. For a short interval of time की बात कर रहे हैं. बराबर ना? So instantaneous velocity is the velocity that is found out at any instant of time. बराबर क्या नहीं? The velocity of the particle at any instant of time. मतलब वही instant of time पे जो velocity निकलती है उसको instantaneous. वही instant of time पे मतलब बहुत short time interval के अंदर immediately जो velocity निकलती है उसको हम लोग कौन सी velocity बोलते हैं? Instantaneous. पूजा लिखना बंद करो. यहाँ पर I can say that the velocity of a particle, ठीक है, the velocity of a particle at any instant of time, ठीक है, तो यहाँ पर I can say that at any instant of time is called which velocity? That is called as instantaneous velocity बोलते हैं. कौन सी velocity बोलते हैं बेटा उसे? We call it as instantaneous velocity, ठीक है. तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बारे में बात करता हूँ. इफ आई से दैट dx इज द स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, इट इज अ स्मॉल डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट फॉर अ वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम. वेरी शॉर्ट इंटरवल of time dt, ठीक है. तो मान लो कि dt stands for a very short interval of time and in that time interval the object has covered a very small displacement dx. Yes or no? तो यहाँ पर velocity क्या हो जाएगा? What will be your velocity? So can I say that my velocity v will be nothing but that will be equals to what? dx by dt होगा कि नहीं होगा? Yes or no? है ना? So dx stands for a small change in displacement and dt stands for a small interval of time. So dx stands for what? Small change in displacement, है ना? So dx stands for small change in displacement and dt stands for what? Dt stands for small change in time. तो अगर time interval अगर बहुत छोटा होगा तो वहां पर जो displacement आता है वो भी बहुत छोटा होगा and that displacement upon that time is called as instantaneous velocity. Is that clear? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Right. ठीक है. अब यहाँ पर next topic जिसके बारे में अभी हम लोग बात करने वाले हैं, that is called as what? That is called as acceleration. If we complete all the parameters first, then we'll give you time. उसमें आप लोग लिखोगे, ठीक है? और उसमें मैं फिर आराम करूँगा, ठीक है? इसलिए पहले एक साथ सब पढ़ा देता हूँ, फिर मजानी लाइफ, आराम. इसके बाद तुम लोग का वापस लेक्चर है ना मेरा 10:30 को? वही सर. तुमको बताया नहीं कितने से कितने बजे तक है? 10:30 से 1:30 बजे तक. 1:30 बजे तक बोला है? रितेश सर तो कल बोल रहे थे कि 1:30 बजे तक है. ठीक है, जब तक हुआ है होगा नहीं कंप्लीट तब तक होगा. ठीक है सर. ठीक है सर, मतलब उसके बाद भी अगर नहीं हुआ तो? अगर होते तो फिर बैठे रहेंगे. हाँ तो बैठे रहो शाम को 4:30 बजे तक. यस, आगे बात करते चलो. अभी हम लोग यहाँ पर बात करेंगे रिगार्डिंग नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम क्या है बेटा? इसका नाम है एक्सेलरेशन बोलते हैं. क्या बोलते हैं बेटा उसे? वी कॉल इट एज एक्सेलरेशन. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय एक्सेलरेशन? ठीक है, बॉडी के अंदर एक्सेलरेशन आता कब है? व्हेन कैन आई से दैट द बॉडी हैज एन एक्सेलरेशन? बोलो.
यस, जब भी बॉडी की वेलोसिटी में चेंजेस आते हैं, देन आई कैन से दैट द बॉडी पोजेसेस एक्सेलरेशन. मतलब एज इन फॉर एन एग्जांपल, मेरे पास एक गाड़ी है जो शुरुआत कर रही है ए पॉइंट से, एंड इट हैज एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड. अब जब वो गाड़ी ए पॉइंट से लेके बी पॉइंट तक जाती है, तो उसकी स्पीड 5 से कितना हो गई, 7 मीटर पर सेकेंड हो गई, बराबर कि नहीं? सो थ्रू आउट द मोशन उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है कि नहीं हो रही है? या तो टाइम के साथ बढ़ेगी या तो टाइम के साथ घटेगी. यस और नो? विद इंक्रीज इन टाइम, टाइम तो बढ़ना ही बढ़ना है, बराबर ना? या तो टाइम के साथ आपकी वेलोसिटी बढ़ेगी या तो टाइम के साथ आपकी वेलोसिटी क्या होगी, घटेगी. यस और नो? तो जब वेलोसिटी में चेंजेस आएंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, देन आई कैन से दैट द ऑब्जेक्ट पोजेसेस व्हाट, द ऑब्जेक्ट पोजेसेस एक्सीलरेशन. इज दैट क्लियर? तो एक्सीलरेशन कब आएगा ऑब्जेक्ट के पास, जब उसकी वेलोसिटी में क्या आएंगे, चेंजेस आएंगे. क्लियर? यहां पर आई कैन से दैट व्हेन द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस with respect to time during its motion, then the object possesses what? The object possesses the acceleration. ठीक है, तो object के पास यहाँ पर क्या आता है, acceleration आता है. ठीक है, then the object must possess acceleration. So how can I define acceleration? Acceleration would define कैसे करेंगे? It is defined as the change in velocity per unit time. Yes or no? मतलब कितनी velocity में changes आ रहे हैं upon per unit time. That is called as acceleration. Do you all agree with that? Yes or no? Yes. The time rate of change of velocity. ठीक है? Time rate of change, rate मतलब 1/time, the time rate of change of velocity of a body is called, क्या बोलते बेटा उसे, is called acceleration. Is that clear? अगर mathematically बात करूँ acceleration क्या होता है, so I can say that, 1 minute, acceleration will be nothing but, ठीक है, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल्स टू चेंज इन वेलोसिटी. क्या होगा बेटा? दैट विल बी इक्वल्स टू चेंज इन वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी पर यूनिट टाइम टेकन बाय द बॉडी. ठीक है, सो दैट इज कॉल्ड एज एक्सेलरेशन. ठीक है, यस और नो? तो अगर मान के चलो कि बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी u है, और कुछ टाइम के बाद वो अपनी वेलोसिटी चेंज कर रहा है, u से लेके v चेंज कर रहा है. ठीक है, तो यहां पर आई कैन से दैट इफ इन अ गिवन टाइम इंटरवल द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी चेंजेस फ्रॉम यू टू वी, from u to v, तो acceleration क्या होगा बेटा, जरा वो check करते हैं. So acceleration का formula क्या है? Acceleration का formula है change in velocity upon time होता है, बराबर ना? Yes or no? तो change in velocity का मतलब क्या होता है? Change in velocity का मतलब होता है final velocity minus initial velocity upon time taken. Yes or no? Upon क्या आएगा? Upon time taken. मुझे बताइए, acceleration will be nothing but that will be a will be equals to final velocity अपना v है, initial velocity u है, और अपना time t है. So that is the formula for acceleration, that is v minus u upon t. Is that clear? Now as velocity की बात कर रहे हैं, तो velocity से related यहाँ पर क्या आएगा? यहाँ पर acceleration will be a scalar or it will be a vector quantity. Vector. Yes. So it, ज्यादा बोल मत बेटा प्रियंका, फिर भूख लगती है. इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी. ठीक है, अभी यूनिट के बारे में बात करेंगे. यूनिट इज वेलोसिटी अपॉन टाइम. वेलोसिटी का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड, और नीचे टाइम है तो सेकंड, तो ये आ जाएगा, यूनिट हो जाएगा मीटर पर
सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। और सीजीएस यूनिट के बारे में बात करें तो दैट विल बी सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब अगर मुझे यहाँ पर एक्सेलरेशन को चेंज करना है, इफ आई नीड टू चेंज एक्सेलरेशन, ठीक है, तो अगर ये है मेरे पास एक्सेलरेशन और ये एक्सेलरेशन को अगर मुझे चेंज करना है, सो व्हाट शुड आई डू, आई शुड प्रोड्यूस चेंज इन वेलोसिटी, आया ना। सो व्हेनेवर देयर विल बी अ चेंज इन वेलोसिटी देयर विल बी अ चेंज इन एक्सेलरेशन। अब अगर मैं वेलोसिटी की बात करूं तो वेलोसिटी इज अ विच क्वांटिटी, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, बराबर। और मैंने आपको सर्कुलर मोशन में यहाँ पर ये डिस्कस किया था कि कोई भी वेक्टर क्वांटिटी जैसे कि वेलोसिटी होती है, जो भी वेक्टर क्वांटिटी होती है उसको चेंज करने के तीन तरीके होते हैं। कैन एनीवन टेल मी व्हाट आर द थ्री वेज इन व्हिच आई कैन चेंज अ वेक्टर क्वांटिटी? मैग्नीट्यूड डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड डायरेक्शन। अच्छा, वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो पहला तरीका होता है आई कैन चेंज इट्स मैग्नीट्यूड, ठीक है। सेकेंड तरीका होता है आई कैन चेंज इट्स डायरेक्शन। एंड लास्ट तरीका होता है आई कैन चेंज बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज व्हाट, एज वेल एज डायरेक्शन। डायरेक्शन, इज दैट क्लियर? सो आइदर आई कैन चेंज मैग्नीट्यूड, इफ आई चेंज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी वेक्टर चेंजेस, हेंस एक्सीलरेशन इज प्रोड्यूस्ड। If I change its direction, velocity vector again changes, that is an acceleration produced. And if I change both magnitude as well as direction, then I can say that again velocity vector changes and acceleration again changes. Is that clear, everyone? Yes, sir. Yes, sir. अभी जहाँ तक acceleration का सवाल है, ठीक है, तो मैं आपको बता दूँ, if I talk about acceleration, ठीक है, तो अगर मैं एक्सेलरेशन की बात कर रहा हूँ तो एक्सेलरेशन इज बीन डिफाइंड एज, अगर ए की बात कर रहा हूँ दैट इज डिफाइंड एज वी माइनस यू अपॉन टी होता है, बराबर ना। तो ये जो एक्सेलरेशन होता है इट कैन बी आइदर पॉजिटिव, इट कैन बी आइदर नेगेटिव और इट कैन बी आइदर जीरो हो जाएगा, इज इट क्लियर? तो एक्सेलरेशन जो हो सकता है वो या तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा या जीरो होगा, ठीक है। So, यहाँ पर एक्सेलरेशन के पास तीन वैल्यूज आती है। तो चलो पहला वैल्यू हम लोग डिस्कस करते हैं, दैट इज ऑन विच कंडीशन एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव, ठीक है। तो ऐसी कौन सी कंडीशन है जहां पर एक्सेलरेशन आपका पॉजिटिव रहेगा, बताइए। ऑन विच कंडीशंस आई कैन से दैट एक्सेलरेशन ग्रेटर देन वी नॉट, यस। तो यहाँ पर आई कैन से दैट व्हेन द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट should increase with time or decrease with time? Increase. Yes. When the velocity of the object should increase, with time interval. Matlab, in short, I can say that final velocity should be greater than initial velocity and hence आपका acceleration यहाँ पर क्या आएगा? पॉजिटिव आ जाएगा। इज दैट क्लियर एवरीवन? यस और नो? नाउ सेकंड केस, एक्सेलरेशन कैन आल्सो बी नेगेटिव, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर नेगेटिव एक्सेलरेशन की बात कर रहा हूँ, सो दैट कैन बी, आई कैन से दैट ए का वैल्यू विल बी नेगेटिव। अगर ए का वैल्यू नेगेटिव है तो वो एक्सेलरेशन को दो नाम दिए जाते हैं, ठीक है। आइदर आई कॉल इट एज रिटार्डेशन, रिटार्डेशन का मतलब होता है नेगेटिव एक्सेलरेशन, या फिर मैं उसे एक और एक नाम देता हूँ, वी ऑल्सो कॉल इट एज डिसेलरेशन बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं बेटा उसे? वी कॉल इट एज डिसेलरेशन, इज दैट क्लियर? तो नेगेटिव एक्सेलरेशन के दो नाम है, आइदर आई कॉल इट एज रिटार्डेशन और आई कॉल इट एज डिसेलरेशन, ठीक है। एंड नेगेटिव एक्सेलरेशन कब आएगा? व्हेन द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग विद टाइम, बोलो। डिक्रीजिंग, डिक्रीज। सो आई कैन से दैट व्हेन द velocity of an object decreases with time, ठीक है। तो यहां पर अपने को आएगा नेगेटिव एक्सेलरेशन। क्या आएगा बेटा अपने को यहां पर? देन वी गॉट अ एक्सेलरेशन दैट इज कॉल्ड एज अ नेगेटिव एक्सेलरेशन। उसके लिए इनिशियल वेलोसिटी शुड बी ग्रेटर देन फाइनल वेलोसिटी होनी चाहिए, तब जाके आपका एक्सेलरेशन यहाँ पर नेगेटिव होगा। एंड सच एक्सेलरेशन इज कॉल्ड एज व्हिच एक्सेलरेशन? दैट इज कॉल्ड एज रिटार्डेशन और
हाँ नेगेटिव मालूम बेटा, लेकिन दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज रिटार्डेशन और डिसेलरेशन बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर आई कैन से दैट। अब लास्ट में आंसर आएगा एक्सेलरेशन कैन ऑल्सो बी जीरो। तो यहाँ पर ए का वैल्यू आपका जीरो भी हो सकता है, और उसके लिए कंडीशन क्या होती है, उसके लिए कंडीशन ये होनी चाहिए, यस द ऑब्जेक्ट शुड मूव विद द सेम वेलोसिटी थ्रू आउट द मोशन, मतलब ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी में कोई चेंजेस नहीं आने चाहिए। पूजा बाद में लिए कितनी बार बोलू सर, मैं नहीं लिख रही हूँ। अच्छा नहीं लिख रही, मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है लिख रही हूँ। When the velocity when the velocity of object is constant throughout the motion, is that clear? तो मतलब यहाँ पर जब velocity of the object है constant है throughout the motion, मतलब my initial velocity will be equals to final velocity, तो वो केस पे मेरा acceleration क्या हो जाएगा, my acceleration would be equal to zero हो जाएगा, is that clear? Yes or no? Yes sir. Alright, तो ये कहानी थी हमारे acceleration के बारे में, ठीक है। अब दो last दो parameters बाकी है, that is called as, the first one is called as average acceleration, क्या बोलते बताओ सर? We call it as average acceleration. जिस तरीके से average speed क्या था, total distance upon total time, तो average acceleration क्या होगा, उसको हम लोग बोलेंगे total velocity, total change in velocity upon total time taken. तो एवरेज एक्सीलरेशन निकालते क्यों है, निकालते इसीलिए है बिकॉज आपका जो ऑब्जेक्ट है वो मूव करता है विद अ वेरिएबल एक्सीलरेशन, एज इन फॉर एन एग्जांपल अगर मुझे ए पॉइंट से लेके बी पॉइंट तक जाना है, तो ए से लेके बी तक में आपका ऑब्जेक्ट एक्सीलरेट कर रहा है, मतलब इट इज मूविंग विद 5 meter per second square, फिर बी पॉइंट पे वो ब्रेक मार दिया, अब उसका वेलोसिटी कम हो गई तो एक्सीलरेशन भी कम हो गया, फिर सी से लेके डी पे वापस एक्सीलरेट कर रहा है 4 meter per second square, so throughout the motion your object is moving with a variable acceleration. तो अभी यहाँ पर हमें क्या निकालना होगा, then we need to find which acceleration, we need to find throughout the motion what is the average acceleration, ठीक है। तो average acceleration कब निकालते हैं, जब आपका object move करता है with a variable acceleration, ठीक है। so I can say that when an object is moving with वेरिएबल एक्सेलरेशन, ठीक है, तो जब आपका ऑब्जेक्ट मूव करेगा विथ वेरिएबल एक्सेलरेशन, ठीक है, देन द एवरेज एक्सेलरेशन, देन द एवरेज एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट is given as, so average acceleration ka formula kya ho jayega, so from here I can say that my average acceleration will be nothing but it will be equals to total change in velocity, okay, that will be total change in velocity of an object upon total time taken, okay, total time taken, ठीक है। अब एक लास्ट हम लोग बात करेंगे, that is called as which acceleration बेटा, yes बोलो, instantaneous acceleration, instantaneous acceleration, instantaneous acceleration, इसके बारे में तो आपको पता है, instantaneous acceleration is the acceleration that has been calculated at that instant of time, मतलब for a short interval of time के लिए बात करेंगे, ठीक है। यहाँ पर ये टॉपिक जरा काफी इंपॉर्टेंट है, पे अटेंशन प्लीज। यहाँ पर आई कैन से दैट द एक्सीलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट एनी गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम इज कॉल्ड एज इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन, सो आई कैन से दैट द एक्सीलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट एनी गिवन
instant of time is called instantaneous acceleration. क्या बोलते हैं बताओ सर? We call it as instantaneous acceleration. ठीक है, तो instantaneous acceleration निकालने के लिए अगर मैं बोलता हूं if during the time dt the change in velocity, change in velocity is dv, तो instantaneous acceleration will be nothing but that will be equals to क्या हो जाएगा? That will be small change in velocity into small change in time, that will be equals to dv by dt हो जाएगा. क्या हो जाएगा? dv by dt हो जाएगा. That is the formula for instantaneous acceleration. अब जरा यहाँ पर ढंग से बात सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ. ठीक है, as in first thing I need to convey that if अगर velocity is given as a function of time, मान लो कि आपको velocity दिया गया है that is equals to 2t plus 5, बराबर ना? तो आपको directly acceleration निकालने क्या करना पड़ेगा? I need to directly differentiate this velocity with respect to time in order to get the acceleration, बराबर के नहीं? तो acceleration directly 2 meter per second square आ जाएगा, बराबर के नहीं? So if velocity is given as a function of time, then there is no problem, acceleration will be directly equal to differentiation of velocity and hence we can get the answer. Barabar na? Yes or no? Ab sir, what if happen now the velocity is been given as 2x plus 5? Matlab now the velocity is given as a function of displacement, not time. Barabar na? तो अब आप ये फंडा यूज नहीं कर सकते हो. अगर आप ये यूज करोगे a is equal to dv by dt तो आंसर जीरो आ जाएगा, बिकॉज़ वेलोसिटी के अंदर टाइम का कोई फंक्शन ही नहीं है. तो यहाँ पर इफ आई डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम देन दिस इज योर कांस्टेंट, बराबर ना? एंड देन कांस्टेंट का डेरिवेटिव विल बी जीरो डायरेक्टली. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो सर आपको कुछ ना कुछ तो कीड़े करने पड़ेंगे जिसमें अपने को वेलोसिटी डाल के एक्सेलरेशन आना चाहिए. अपन क्या करते हैं, अपन यहाँ पर बहुत मजेदार चीज करते हैं. अपने को एक बात मालूम है, a is equals to dv by dt होता है, बराबर ना? मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय dx, तो यहाँ पर डिवाइड बाय dx करेंगे, मल्टीप्लाई बाय dx करेंगे अपॉन dt. मुझे बताइए dx बाय dt क्या होगा? चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. हां यस सर, दैट इज योर वेलोसिटी. सो वेलोसिटी इनटू dv बाय dx. देखो अब मजा आएगा. देखो अब यहाँ पर अगर वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करेंगे हम लोग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं आएगा, बिकॉज अब वेलोसिटी यहाँ पर कांस्टेंट नहीं है, इट इज अ फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट है. तो 2x plus 5 करेंगे तो यहाँ पर अपने को 2 into 1 plus 0, so that turns out to be nothing but acceleration will be equals to velocity into 2 आ जाएगा, बराबर ना? So 2x plus 5 into 2, that will be your acceleration as a function of velocity. Am I clear with this? Yes? यहाँ पर दो फॉर्मूले याद रखने के. इफ वेलोसिटी इज अ फंक्शन ऑफ टाइम नो प्रॉब्लम, ए इज इक्वल्स टू डी वी बाई डी टी. बट इफ वेलोसिटी इज नॉट अ फंक्शन ऑफ टाइम देन वी नीड टू मेक इट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम बाय यूजिंग विच रूल. ये जो रूल है इसको हम लोग बोलते हैं चेन रूल बोलते हैं. ठीक है, जहाँ पर हम लोग को डी एक्स से मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है, एंड एट देन हमको एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लाना है वी इंटू डी वी बाई डी एक्स. एम आई क्लियर विद दिस? Yes. एक और एक शॉर्टकट फॉर्मूला जरा देख लो प्लीज. ठीक है, ये सारे सब शॉर्टकट फॉर्मूले है. ठीक है, आई कैन से दैट इफ अ पार्टिकल, अगर मेरे पास यहाँ पर एक पार्टिकल है दैट इज एक्सेलरेटेड फॉर टाइम टी वन विद एक्सेलरेशन ए वन. ठीक है, तो अगर उसका एक्सेलरेशन ए वन है फॉर अ टाइम इंटरवल टी वन एंड फॉर टाइम टी टू इट्स एक्सेलरेशन इज ए टू. इट्स एक्सेलरेशन इज व्हाट? ए टू. यहां पर आई कैन से दैट व्हाट इज योर एवरेज एक्सेलरेशन. यहाँ पर डायरेक्ट एवरेज एक्सेलरेशन निकालने का फंडा, यहाँ पर जब टाइम टी वन था तो उसका एक्सेलरेशन ए वन था,
और जब टाइम टी टू है तो उसका एक्सीलरेशन ए टू है, तो एवरेज एक्सीलरेशन का फॉर्मूला होता है ए वन टी वन प्लस ए टू टी टू अपॉन टी वन प्लस टी टू। ठीक है, मेक अ नोट ऑफ इट। ठीक है, मतलब बात में लिख देना, जब T1 टाइम था तो एक्सीलरेशन आपका A1 था, जब T2 टाइम था तो आपका एक्सीलरेशन A2 था, एंड ओवर द टाइम इंटरवल T1 प्लस T2। अभी मैं एक और एक फंडा आपको बताता हूँ। ठीक है, अगर मान लो कि यहाँ पर मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है और वो इनिशियली रेस्ट पे है, इफ एन ऑब्जेक्ट इज इनिशियली, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, is initially at rest, इस पे नेट पे क्वेश्चन आ चुका है, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी, 0 मीटर पर सेकंड होगी, बराबर। देन एक्सेलरेट्स विद एन एक्सेलरेशन ए वन, ठीक है, तो बाद में क्या कर रहा है, एक्सेलरेट कर रहा है विद एन एक्सेलरेशन ए वन, मत लिखो कुछ तो भलता नाम दे दो, अल्फा बीटा नाम दे दो, चलो it accelerates with an acceleration alpha, ठीक है, बाद में वो क्या कर रहा है, accelerate हो रहा है with an acceleration alpha, then further accelerate होने के बाद अब वो क्या कर रहा है, decelerate हो रहा है, ठीक है, decelerates with an acceleration beta, ठीक है, उसके बाद accelerate होने के बाद उसने ब्रेक मार दिया, ब्रेक मारने के बाद वो decelerate हो रहा है with an acceleration beta and again comes to rest, अगेन कम्स टू रेस्ट, तो ऐसे केस के अंदर मतलब फाइनल वेलोसिटी जीरो। समझ में आया क्वेश्चन, इनिशियली इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, फिर एक्सेलरेट करेगा विद एन एक्सेलरेशन अल्फा, फिर ब्रेक मारेगा, फिर डिसेलरेट करेगा विद एन एक्सेलरेशन बीटा, एंड अगेन कम्स टू रेस्ट, तो इसके अंदर अपने को मैक्सिमम वेलोसिटी निकालनी है, क्या निकालनी है, व्हाट विल बी द मैक्सिमम वेलोसिटी थ्रू आउट द मोशन, so maximum velocity throughout the motion will be equals to alpha into beta into t upon alpha plus beta, that is the maximum velocity, ठीक है, as well as maximum displacement का भी formula है, that is half alpha beta upon alpha plus beta, I'm not sure about this formula, मैं थोड़े टाइम में confirm करता हूँ, alpha square beta square आता है लेकिन मैं sure नहीं हूँ, लेकिन फिलहाल अभी ये लिख लो, अगर कुछ changes रहेंगे तो मैं update करता हूँ, ठीक है, yes sir, तो यहाँ पर ये है, ये वेलोसिटी वाला तो श्योर है लेकिन डिस्प्लेसमेंट वाला थोड़ा श्योर नहीं है, आपको बात करनी पड़ेगी, ठीक है, इज इट क्लियर, हां सर, यस, अभी एक लास्ट टॉपिक देन यू कैन राइट इट डाउन, ठीक है, अब यहाँ पर एक और एक टॉपिक के बारे में डिस्कशन करते हैं अपन डिटेल्ड में, ठीक है, फिर यहाँ पर स्टॉप करते हैं, फिर एमसीक्यूज करेंगे, ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द लास्ट टॉपिक ऑफ today's session before writing, that is called as kinematical equations के बारे में बात कर रहे हैं, इसके बारे में बात कर रहे हैं बेटा, we gonna talk about kinematical equations, किसके लिए, kinematical equation हम लोग दो टाइप के motion के लिए बात करेंगे, तो जो पहला motion जिसके बारे में बात कर रहे हैं उसको हम लोग बोलते हैं uniformly accelerated motion होता है, कौन सा motion होता है, uniformly accelerated motion, अब सर ये यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन का मतलब क्या होता है, यूनिफॉर्म का मतलब होता है सेम, एक्सीलरेट मतलब एक ऐसा मोशन जिसका एक्सीलरेशन थ्रू आउट द मोशन क्या होगा, सेम होगा, उसको हम लोग बोलते हैं यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन, मतलब आई कैन से दैट व्हेन द बॉडी इज मूविंग अलोंग द स्ट्रेट लाइन पाथ विद अ यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन विद अ कांस्टेंट एक्सीलरेशन देन सच अ मोशन इज कॉल्ड एज व्हिच मोशन, यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन बोलते हैं उसको, इज दैट क्लियर, यहां पर मैं लिख देता हूं, व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन पाथ, अ स्ट्रेट लाइन पाथ विथ एन कॉन्स्टेंट एक्सीलरेशन, विथ विच एक्सीलरेशन, विथ अ कॉन्स्टेंट acceleration, then I can say that then the motion is called, which motion, then the motion is called uniformly accelerated motion, ठीक है, uniform का मतलब ही same होता है, uniformly accelerated motion,
अभी हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, फॉर अ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, जब आपका ऑब्जेक्ट मूव करेगा, आगे मूव कर रहा है अलोंग अ स्ट्रेट लाइन पाथ, सो देयर विल बी सम वेलोसिटी विद द बॉडी, देयर विल बी सम एक्सेलरेशन एसोसिएटेड विद द बॉडी, देयर विल बी सम डिस्टेंस टेकन प्लेस बाय द बॉडी इन अ टाइम इंटरवल टी. तो ये जो सारे पैरामीटर्स है, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, टाइम, इनके बीच में हम लोग को एक रिलेशनशिप ढूंढना है. And that relationship has been given by a set of equations. आपको पता है ना, v is equal to u plus at, s equals to ut plus half at square, v square equal to u square plus 2as. इसी को kinematical equations बोलते हैं. क्या बोलते हैं बेटा उसको ही? Kinematical equations बोलते हैं. Is that clear? यहाँ पर I can say that for this motion, we can establish. हम लोग यहाँ पर एक रिलेशनशिप एस्टैब्लिश कर सकते हैं. वी कैन एस्टैब्लिश द रिलेशनशिप बिटवीन व्हाट एंड व्हाट बेटा, बिटवीन आई कैन से दैट वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड द डिस्टेंस ट्रैवल बाय द बॉडी, द डिस्टेंस ट्रैवल्ड by the body in time t by a set of equation known as kinematical equations बोलते हैं इसको. कौन सा equation बोलते हैं बेटा? We call it as kinematical equation. अब हमको मालूम है there are three types of kinematical equation. Can anyone recollect that? What are the three type of kinematical equation? पहला जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? v is equals to u plus at, जिसमें से v क्या है? v is called as a final velocity, u is called as the initial velocity, a is the acceleration and t is the time. Yes or no? Everyone knows that. Second is s is equals to what बच्चा लोग? ut plus half at square. And last वाला जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं v square equals to u square plus 2as. Is that clear? अगर चाहिए तो हम लोग इसको derive भी कर सकते हैं. देखो, दो kinematical equation को हम लोग यहाँ पर derive करेंगे graph से, और first वाले kinematical equation को हम लोग derive करेंगे by using the formula of acceleration. लेकिन मेरे को जरूरत नहीं लग रही अभी फुकट time pass करने की, आप लोग खुद से कर ले, ठीक है? और कोई पूछता भी नहीं है आपको, ओके? जस्ट आपने 9वीं 8वीं में पढ़े होंगे इसके बारे में, ठीक है? तो बता दिया मैंने, डिराइव हो सकता है, ठीक है? चलो, अब मैं यहाँ पर आपको दो पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूँ जो डिस्कस करेंगे हम लोग, ठीक है? डिस्टेंस शॉर्टकट फॉर्मूलेज है पीपल, प्लीज 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 अटेंशन, इसी के ऊपर एमसीक्यूज करने वाले. डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द बॉडी इन nth सेकेंड, n seconds नहीं बेटा, nth second. थोड़ा English पर ध्यान दो जरा बेटा. Yes sir. अगर मान लो, एक example दे देता हूँ, चलो तुम लोग भी याद रखोगे. मान लो कि यहाँ पर मेरे पास एक बॉल है जिसको मैंने कुछ हाइट से नीचे फेंका. क्या कर रहा हूँ बेटा मैं? ये यहाँ पर एक बॉल है जिसको यहाँ पर मैं कुछ हाइट से I'm throwing it down. ठीक है? While coming down, it takes total 10 seconds. How many seconds? 10 seconds उसको लगती है. अब अगर कभी सवाल आ गया आपको, व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द बॉल इन द फिफ्थ सेकंड, मतलब पांचवे सेकंड के अंदर उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, मतलब वो पर्टिकुलर सेकंड के अंदर हाउ मच डिस्टेंस इज बीन ट्रैवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट, अगर मुझे वो निकालना है तो मुझे ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा. Yes. Yes. तो यहाँ पर वो पर्टिकुलर सेकंड के अंदर कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना है उसके बारे में जरा बात करनी पड़ेगी. सो द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द बॉडी इन द nth सेकंड दैट इज गिवन एज u प्लस a बाय 2 इनटू 2n माइनस 1 वेयर n स्टैंड्स फॉर द nth सेकंड, a इज द एक्सेलरेशन एंड n इज द नंबर ऑफ सेकंड्स. ठीक है, कौन से सेकंड के अंदर आपको डिस्टेंस निकालना है. दिस फॉर्मूला इज अ पेटेंट फॉर्मूला, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला. ठीक है, प्लीज पे अटेंशन टू दिस. एंड वन लास्ट टॉपिक अभी हम लोग को यहाँ पर बात करनी है. समझाना क्वेश्चन क्या पूछ रहा है बेटा? पूरे
टेंथ सेकंड की बात नहीं कर रहे, ये पर्टिकुलर सेकंड के अंदर कितना डिस्टेंस ट्रेवल करोगे उसकी बात हो रही है, ठीक है। Yes, अभी यहाँ पर एक लास्ट टॉपिक के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है स्टॉपिंग डिस्टेंस। क्या बोलते हैं बेटा उसे? वी कॉल इट एज स्टॉपिंग डिस्टेंस बोलते हैं, ठीक है। अब स्टॉपिंग डिस्टेंस क्या होता है जरा वो समझते हैं। तो एग्जांपल देता हूँ मैं, कंसीडर कीजिए यहाँ पर मेरे पास मस्त एक टकाटक रोड है, ठीक है। यहाँ पर मेरे पास एक गाड़ी है, आई हैव अ कार विथ मी, थोड़ा गरीबी है तो नैनो यूज कर रहा हूँ। यस, आई हैव अ कार विथ मी दैट इज कॉल्ड एज नैनो, ठीक है। दैट इज मूविंग विथ सम इनिशियल वेलोसिटी वी, ओके। अब ये गाड़ी वाला थोड़ा पी के बैठा हुआ था बेटा, ये थोड़ा मतलब नशे में था, नशीला बॉय, यस। तो आगे चला रहा है गाड़ी विथ सम इनिशियल वेलोसिटी। अभी आगे देखता है कि यहाँ पर अचानक इसके सामने एक स्पीड ब्रेकर आ जाता है। क्या जाता है बेटा? देयर इज अ स्पीड ब्रेकर इन फ्रंट ऑफ हिम, इज दैट क्लियर? तो क्या करेगा बोलो? अरे भाई ब्रेक मारेगा ना, यस और नो? यहाँ पर व्हेन ही अप्लाइज ब्रेक, तो गाड़ी क्या वही इंस्टेंट पे रुकती है क्या? लैम्बोर्गिनी नहीं है भाई अपने पास, और लैम्बोर्गिनी होती तो भी नहीं रुकती थी बराबर के ना। तो गाड़ी को जब वो ब्रेक मारेगा तो गाड़ी यहाँ पर क्या करेगी? कुछ ना कुछ डिस्टेंस आगे ट्रेवल करेगी, एंड ट्रेवल करने के बाद तब जाके गाड़ी क्या हो जाएगी यहाँ पर? व्हेन द कार विल गेट स्टॉप्ड, बराबर के नहीं, यस और नो? तो स्टॉपिंग डिस्टेंस क्या होता है? तो ब्रेक मारने के बाद गाड़ी जब रुकती है तो रुकने के वक्त वो कुछ ना कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करती है, बराबर ना? दिस इज द डिस्टेंस दैट हैज बीन ट्रेवल्ड बाय द बॉडी, और वो डिस्टेंस को हम लोग नाम देते हैं, we call it as stopping distance बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा उसे? we call it as stopping distance। तो ब्रेक मारने के बाद, तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ, when brakes are applied to the moving body, ठीक है, to the moving vehicle, the distance it travels before stopping, मतलब stop होने से पहले जो वो distance travel करती है, that distance is called as stopping distance। Is that clear? तो यहाँ पर I can say that when brakes are applied to the body, or I can say that moving vehicle, then the distance traveled by the body before stopping is called stopping distance। अब stopping distance निकालेंगे कैसे जरा वो चेक करो, is that clear? Yes, how to find sir. Stopping distance, is that clear? अभी यहाँ पर थर्ड काइनेमैटिकल इक्वेशन यूज करो, v square equals to u square plus 2as, बराबर ना? गाड़ी एट द एंड आके स्टॉप हो चुकी है, बराबर? तो जब स्टॉप हो चुकी है तो उसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी बेटा? जीरो हो जाएगी, बराबर। सेकेंड चीज हम लोग यहाँ पर बात करेंगे, गाड़ी के ऊपर जब हम लोग ब्रेक लगा रहे हैं तो गाड़ी की वेलोसिटी टाइम के साथ बढ़ रही है घट रही है? व्हाट इज हैपनिंग? बढ़ रही है, माइनस। यस, तो यहाँ पर आई कैन से दैट वेलोसिटी is decreasing with time, बराबर ना? तो velocity जो है वो decrease हो रहा है time के साथ, तो acceleration अभी positive नहीं आएगा, acceleration क्या आएगा? negative acceleration आएगा, बराबर ना? that is your retardation हो रहा है। क्या हो रहा है बेटा? retardation हो रहा है या deceleration हो रहा है? जरा substitute करो सारे values, so if I substitute then वो equation के अंदर v का value zero, u square और a के जगह पे minus a डाल दिया, तो minus 2as आ गया, ठीक है। माइनस टू एस गोज हियर, इट बिकम्स प्लस टू एस अपॉन यू स्क्वायर, तो एस का वैल्यू आ जाएगा यू स्क्वायर अपॉन टू ए। सो फ्रॉम हियर आई कैन से दैट एस इज योर स्टॉपिंग डिस्टेंस व्हिच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यू स्क्वायर एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू योर ए। एम आई क्लियर विद दिस? यस सर। ये फॉर्मूला काफी इंपॉर्टेंट है, एक डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी इन द एंथ सेकेंड और एक स्टॉपिंग डिस्टेंस वाला। क्लियर है बेटा सबको? यस सर। ओके, चलो अभी कहानी खत्म, बहुत पढ़ा बेटा, एक घंटे से पढ़ा रहा हूँ।
ये आप लोग लिखो मस्त एकदम, दो तीन तीन बार लिखो, मतलब चार बार लिखो, जितना मर्जी है उतना लिखो, लिखते रहो लिखते रहो। कहाँ तक बात हुई थी भाई? वेलोसिटी भी नहीं हुई थी ना? वेलोसिटी चलो स्क्रीनशॉट फर्स्ट पेज स्क्रीनशॉट ले लो पहले, फिर तुम लोग के सामने स्क्रीन रखता हो तो फिर तुम लोग बोलते हो, कोई बोलता है सर रुको बाकी है, फिर कोई बोलता है सर हो गया, इससे बेटर तुम एक स्क्रीनशॉट लो लिखते हो। सेल्फी ले रही साक्षी? सर आप ये नोट्स भेजने वाले हो ना बाद में ग्रुप पे? क्यों भेजू मैं, लिख रही है कि नहीं लिख रही है? क्यों भेजू मैं सर? अरे बाद में मैं ऐसे अच्छे कलरफुल पेन से सब बनाती हूं, तो आप लास्ट टाइम भेजे थे ना। अच्छा तो ये बार ही भेजू? हाँ सर थैंक यू। हाँ तो मैं भेजा का हूँ, सिर्फ भेजू ऐसा पूछ रहा हूँ मैं ऐसा। ये बार भी भेज, मुझे लगा आपने बोला कि मैं भेजता हूँ। हाँ सर भेज देना ना। अच्छा ठीक है चलो फर्स्ट पेज डन। हाँ सर। यस बताता हूँ स्टॉपिंग टाइम के बारे में, काय को टेंशन लेता है। वी इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी यूज कर, इसमें स्टॉपिंग टाइम भी आ जाएगा। कौन हो? डन जसवाल ठीक है। गोस्वामी यस। नेक्स्ट पेज डन। डन डन नेक्स्ट पेज डन सर। नेक्स्ट पेज नेक्स्ट पेज नेक्स्ट पेज डन। सर नहीं सर, सर वापस करो ऊपर। मैं डाल दूं ग्रुप में? अरे तू डाल दे, तू डालना डाल भाई, मैंने भी नहीं। बस हाँ सर। Next page. Done, sir. Next page. Done, sir. Next page. Done, sir. Next page. जल्दी करो। Done sir. Next page. सर ऐसे लिखते लिखते तो लेक्चर खत्म हो जाएगा। चुप रहे 15 से 20 मिनट में हो जाएगा। फटाफट लिख मेरा। सर आपने तो बोला चार बार लिखने का है। वो लेक्चर के बाद। चलो डन। डन सर। नेक्स्ट पेज। डन। डन। Next page. Done? Done, sir. Last one. जल्दी लिखो फटाफट, हो जाए तो चैट बॉक्स में अपडेट कर। अक्षय ग्रुप पे सेंड कर। लाइन से भेजना।
सही सही भेजना। अभी तो पीछे से बीच में से सब मस्त करके भेज सर। कल आ रहा है ना डब्ल्यूएस देने, तेरे को भी मस्त करूंगा। तुम्हारा टाइम अलग होगा मेरे। अरे छोड़ जाने दे। ठीक है मैं माइक निकाल रहा हूँ।
हुआ कि नहीं हुआ स्लाइड दो स्लाइड बाकी है सर अभी तो शुरू सर रुको एक्सेलरेशन इक्वेशन तक पहुंच गए कोई बात नहीं लिखो अपने कम से कम एक सवा घंटा पड़े तो तक टाइम क्या है कोई इश्यू से हां सर हम लोग आपको मैसेज करेंगे आराम से आप सो जाओ
अक्षय? हाँ सर। अरे हाँ सर, क्या मैं बोल रहा हूँ? मुझे लगा सर है, अचानक बोले तो बोल बोल। अरे ये मैं बोल रहा था, ये काइनेमेटिकल इक्वेशन ऑफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन ना, हाँ? उसका तूने जो सेकंड पैरा लिखा है बाय द बॉडी इन टाइम टी, उसके बाद क्या आएगा? सेकंड पैरा बाय द बॉडी इन टाइम टी बाय अ सेट ऑफ इक्वेशन सेकंड, इसमें देख इमेज लाइन रिपीट हुई है। हाँ हाँ मिल गया मिल गया।
चलो फाइनली डन। यस सर। यस सर। सर लास्ट लिख रहे लास्ट स्टॉपिंग वन मिनट। चलो बच्चा लोग हुआ। हाँ सर हो गया। चलो अभी थोड़ा एमसीक्यूज पर आ जाइए प्लीज। सर नहीं हुआ। हाँ तो लिखना मेरी माँ लिख जल्दी कर लेते बहुत लंबा स्ट्रेस पड़ा है ना तुम लोग को मैंने आज पूरा एक सवा घंटा पढ़ाया बहुत मजा आया। अभी इसमें बहुत मजा आता है क्योंकि एक स्ट्रेस में सब कुछ हो गया है ना तो बीच बीच में सोने की जरूरत नहीं पड़ती है। और फिर उसमें एक पढ़ाओ फिर तुम लोग लिखो मैं पढ़ाओ फिर तुम लोग लिखो बहुत मदद मिली सच एक स्ट्रेस में पढ़ाओ खत्म करो। कौन लिख रहा है अभी प्रियंका लिख रही है सर मैं भी लिख रही हूँ। लिखो 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 दो दो बार लिखो आराम से तीन तीन बार लिखो। जो लोग का हो गया कितने लोग का हो गया बेटा हम लोग एमसीक्यूज कर सकते हैं ना राइट। लेट्स डो नॉट फोकट मत बैठो बेटा कुछ एमसीक्यूज कर लेते हैं। चलो मॉड्यूल निकालो जरा प्लीज मैं निकाल लेता हूँ। चलिए व्हाट वाज द लास्ट एमसीक्यू दैट वी हैव डन कैन यू टेल मी दैट। यस सर। सर डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट में से 3 हो गया था और यूनिफॉर्म इवनिंग बैच वाले हो गया क्या बेटा लिख के अभी भी स्टिल लिख रहे हो सर हो गया। ओके बेटा हां तो यहां पर लास्ट क्वेश्चन कौन था व्हाट वाज द लास्ट क्वेश्चन दैट वी हैव डन यूनिफॉर्म किए थे नॉन यूनिफॉर्म में लास्ट क्वेश्चन कौन सा किए थे सर नॉन यूनिफॉर्म में स्टार्ट किए थे। अच्छा सिर्फ यूनिफॉर्म किए थे क्या। हां सर वो डिस्प्लेसमेंट और 6 और 7 तो आपने दिया था। हां 4 6 7 हो गया नॉन यूनिफॉर्म के अंदर थर्ड हमने किए थे फोर्थ भी करवा दिया था 6th 8th। अच्छा 4 6 7 दिया था लेकिन करवाया नहीं था आई गेस है ना। हाँ सर आपने कराया नहीं।
ठीक है, तो मैं यहाँ पर नॉन यूनिफॉर्म के क्वेश्चंस यहाँ पर जरा पोस्ट करता हूँ, ठीक है, फिर हम लोग डाउट सॉल्विंग करते हैं, आप लोग सॉल्व करो, जिन लोगों का लिखना बाकी है वो लोग लिख सकते हैं, जिन लोगों का हो चुका है वो लोग एमसीक्यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो नॉन यूनिफॉर्म के अंदर चलो डू इट फास्ट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 बस नॉन यूनिफॉर्म के 12 क्वेश्चन शुरू हो जाओ जल्दी। कितने लोग अभी भी लिख रहे हैं जरा कुछ आइडिया मिलेगा मुझे, हाउ मेनी आर स्टिल राइटिंग? पूजा हो गया ना अभी? यस सर। एनीवन राइटिंग स्टिल? बच्चा लोग कोई लिख रहा है क्या? नहीं सर, मेरा लास्ट का एक बाकी है। ओके साक्षी, जो लोग लिख रहे हैं जल्दी वाइंड अप करो बेटा। ठीक है, डिवाइड इनटू पार्ट ऑफ फोर, पहले तीन का आंसर दो मुझे, फर्स्ट सेकंड फोर्थ का, फिर सिक्स सेवेंथ एट्थ का, फिर नाइन्थ ट्वेल्थ फोर्टीन्थ का, और फिर फिफ्टीन सिक्सटीन्थ और सेवेंटीन्थ का। मेक इट फास्ट, जल्दी जल्दी, थ्री क्वेश्चंस, नॉट मोर देन 5 मिनट्स। मैं ब्रेक नहीं दूंगा, मैं 10 बजे आपको छोड़ दूंगा, ठीक है, फिर हम लोग 10:30 शुरू करेंगे, फिर आप लोग हाफ एन आवर का लंबा ब्रेक लेंगे, ठीक है बेटा? हाँ सर। नाश्ता वाश्ता करके आओ, फिर 10:30 को शुरू करते प्रोजेक्ट टाइम के साथ। ओके चल, मेरे पास आंसर शीट बता रहे हैं चार पक बाय एवरीवन, स्पेशली इवनिंग बैच पीपल ऑफ इवनिंग बैच, आई वांट यू ऑल टू आंसर प्लीज। Is that clear? सो रहे है क्या? इवनिंग बैच में कोई वीडियो भी ऑन नहीं कर रहा है? कैसे लोग वीडियो ऑन करो रहे तुम लोग इवनिंग बैच वाले, पहले इवन मॉर्निंग बैच ऑल्सो। सो लास्ट वीडियो ऑन करो, दृष्टि, एडविना, अरे एडविना वीडियो तो ऑन कर बेटा, ऐसे मस्ती रहेंगी तो कैसे चलेगा? ओवेज, ओवेज समझ में आ रहा है बेटा? ओके, फैजान, फैजान आया है क्या आज? यस, फैजान इज आल्सो देयर। फैजान समझ में आ रहा है बेटा? वीडियो ऑन करो वरना मैं ग्रुप से बाहर निकाल दूंगा, याद रखना। ओके, आई विल पुट यू इन द वेटिंग रूम इफ योर वीडियोस आर नॉट। अरे एडविना अभी अभी जापून जोक नहीं मार रहा, हंसने के लिए है ना? दीपिका पादुकोण, प्रिसिल्ला, अरे कुछ खाई नहीं प्रिसिल्ला आज? लास्ट टाइम तो बहुत खा रही थी, बातें बातें मस्त एकदम चालू था तेरा। नेक्स्ट प्लीज वीडियो ऑन कीजिए, सभी लोग के वीडियो ऑन नहीं है। डू इट फास्ट, चलो पहले तीन क्वेश्चन, मेक इट फास्ट, आई वांट यू टू सॉल्व इट। नहीं आ रहा है तो नहीं है, लिख दो मुझे चैट बॉक्स में, सर अनेबल टू डू। पहले तीन सॉल्व करो फिर डाउट सॉल्विंग करता हूँ, फिर तीन करो फिर डाउट सॉल्विंग करता हूँ, जल्दी करो फटाफट।
सर हो गया पहला सेट। हाँ सर हो गया, सर फोर्थ नहीं आया। चलिए फर्स्ट थ्री क्वेश्चन के बारे में कुछ बातें कीजिए मेरे से। हो गए क्या सब के आंसर्स आ गए मुझे? फोर्थ करो। सर फोर्थ नहीं आया। रिकॉर्डिंग कर रहा है ना अक्षय? क्यों नहीं कर रहा है? कर रहा है ना सर, ऊपर सिंबल तो आ रहा है। सर चालू है सर। तो कौन रिकॉर्डिंग कर रहा है? अच्छा तूने वो स्टार्टिंग का मैसेज पॉज नहीं किया। चलो फोर्थ करें क्या? Everyone? हाँ सर। All right. Fourth question देखो जरा बच्चे लोग। Fourth में बोला है the initial velocity of the particle is u at time t equal to zero. तो जहां पर time t equal to zero है, तो आपकी जो initial velocity है, so I can say that my initial velocity is nothing but that is u. अभी and the acceleration f is given as. तो देखो मैं आपको बता दूं जो acceleration जो है that is given as a function of time where a is a constant. तो कौन सा relationship बराबर होगा? तो मैं आपको बता दूं यहाँ पर initial velocity time t equal to zero है, बाद में time capital T तक जा रहा है, लेकिन जो आपका acceleration आपको जो दिया हुआ है वो constant acceleration नहीं है, basically it is a function of time. तो अपने को पहले total acceleration निकालना होगा. So total acceleration a will be nothing but that will be integration of ac हो जाएगा. मतलब जो एक्सेलरेशन टाइम के साथ वेरी कर रहा है, जो एक्सेलरेशन जो अपने को दिया है, इट इज नॉट अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, इट इज वेरिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम. सो वी नीड टू फाइंड द टोटल एक्सेलरेशन फ्रॉम टाइम जीरो से लेके स्मॉल टी तक, बराबर. तो हमें उसे इंटीग्रेट करके अपने को यहाँ पर पहले टोटल एक्सेलरेशन यहाँ पर निकालना होगा. तो फ्रॉम हियर व्हाट आई कैन से दैट so total acceleration a will be nothing but that will be equals to integration of a, इसको at लिख दो,
AT is nothing but that will be equals to A into C, 0 to T. A constant hai, bahar nikalo. Integration of T raised to 1 DT. Bolo, integration of T raised to 1 DT kitna hoga? So that will be equals to T square by 2. Aaya na? Haan, sir. T raised to 1 ka T raised to T square by 2 ho gaya na? Theek hai? Abhi according to first kinematical equation, V is equals to U into AT. U plus AT. Hai na? तो v का वैल्यू आ जाएगा u प्लस क्या हो जाएगा at स्क्वायर बाय 2 आ गया कि नहीं आ गया ये क्वेश्चन चेक करो बराबर है क्या ऑप्शन में तो है ऑप्शन हाँ। में तो है तो वही राइट है ना मेरे भाई सर लेकिन हम लोग को इंटीग्रेशन नहीं आता है कोई बात नहीं बेटा इतना स्ट्रेस मत लो इंटीग्रेशन का एक फार्मूला अपने को यहां पर याद रखने का इज दैट क्लियर इंटीग्रेशन ऑफ x रेस टू n dx ठीक है इंटीग्रेशन ऑफ x रेस टू n dx का इंटीग्रेशन का फार्मूला होता है x रेस टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 होता है जैसे कि अभी अगर मैं देखूं यहां पर x स्क्वायर है बराबर क्या नहीं अगर तो कंपेयर करेगा बेटा यहां पर n के जगह पे क्या लिखा हुआ है n के जगह पे 2 लिखा है कि नहीं लिखा है यस और नो तो ये क्या हो जाएगा x रेस टू 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 So that will be equals to x cube upon 3 आ जाएगा, ठीक है? Similarly, अगर मैं integration of t raised to n dt लिखता हूँ, मतलब variable change कर रहा हूँ, x के जगह पे t लिख रहा हूँ, तो ये आ जाएगा t raised to n plus 1 upon n plus 1 आ जाएगा। अब अपने पास यहाँ पर क्या था? t raised to 1 dt था, तो n के जगह पे 1 लिखा हुआ है, so t raised to 1 plus 1 upon 1 plus 1, that will be t square by 2, तब जाके ये t square by 2 आया। ओके बेटा ओके सर समझा ऑलराइट बेसिक इंटीग्रेशन का फार्मूला याद रखो चल चलो छाप लो चलो डन कॉपीड हाँ सर यस सर ये इंटरेस्ट वाला भी पार्टी है कुछ अच्छा मकर संक्रांति ना छुट्टी नहीं दी है ना हाँ सर छुट्टी नहीं दिया मेरे को बोलना चाहिए था ना आदमी छुट्टी दिया तुमने को दिलाता है अरे क्या करेंगे सर छुट्टी लेके वैसे भी कौन सा हम लोगों को करने का पता नहीं पढ़ने बैठने हाँ सर ऐसे ही एनरोल सबमिट करने का क्या सबमिट करने का एनरोल ये सब चैप्टर का सर वो एमसीक्यू क्वेश्चन दिखाओ ना चलो ये हो गया अभी कॉपी सर एक बार सेट दिखा दो हाँ बेटा लो चार सेट दिए चलो बोलो और कौन सा करूँ पहला वाला साक्षी बोल रही है करने के लिए ना ठीक है साक्षी फर्स्ट देख लो बेटा हाँ सर स्क्रीनशॉट ले लो इसके फर्स्ट क्वेश्चन जरा चेक करते हैं A particle starts its motion from rest. मतलब अगर शुरुआत rest से ही कर रहा है, तो initial velocity will be 0 meter per second. Under the action of a constant force, if the distance covered in the first 10 seconds
तो इनिशियली जब पहले 10 सेकंड के अंदर डिस्टेंस कवर्ड इज एस वन एंड दैट कवर्ड इन द फर्स्ट 20 सेकंड्स के अंदर डिस्टेंस कवर्ड इज एस टू, रिलेशनशिप बिटवीन एस वन और एस टू निकालने के लिए बोला है, बराबर। क्या करें बच्चा लोग, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये यूज किया है? हाँ सर ये यूज किया है। यस सर। यहाँ पर आइटम से राज पहला एस वन निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे बताएं, यहाँ पर सेकंड काइनेमैटिकल इक्वेशन एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो यू का तो वैल्यू बच्चा लोग क्या है बेटा, जीरो है, बराबर ना। तो इनिशियली एस वन विल बी इक्वल्स टू हाफ इंटू ए इंटू टी वन स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। सो दैट विल बी हाफ इंटू ए इंटू टी का वैल्यू 10 है तो 10 का स्क्वायर 100, सो दैट विल बी 50 ए हो जाएगा। तो एस वन का वैल्यू अपने को 50 ए आ गया। सिमिलरली एस टू का वैल्यू निकालो, एस टू विल बी इक्वल्स टू हाफ इंटू ए इंटू टी स्क्वायर, 20 सेकेंड है, 20 का स्क्वायर 400, सो 200 ए हो जाएगा, बराबर ना। सो एस टू अपॉन एस वन डिवाइड कर दो जरा, तो एस टू अपॉन एस वन दैट विल बी 200 ए अपॉन 50 ए, तो 51 का 54 जा ए कैंसल, तो एस टू का वैल्यू जो आ जाएगा 4 टाइम्स एस वन आ जाएगा, ठीक है। साक्षी क्लियर बेटा? हाँ सर समझा, मैंने मतलब दूसरा फॉर्मूला यूज किया था इसलिए रॉन्ग आया। कोई बात नहीं बेटा, सर मैंने ना उधर लिखा था ना एक्सेलरेशन कांस्टेंट, तो मैंने कांस्टेंट लिख दिया उसको। कोई बात नहीं, सीख लो सीख लो। चलो डन, कॉपी कर लो इसको पहले। ओके तो अपना फर्स्ट सेट के क्वेश्चंस हो गए, बराबर ना। अब नेक्स्ट सेट्स के अंदर फर्स्ट से फोर्थ सिक्स सेवन एट ट्राई करो जरा फर्स्ट। चलो दो सेट एक साथ करो, सिक्स सेवन एट नाइन ट्वेल्व फोर्टीन, फटाफट सिक्स सेवन एट नाइन ट्वेल्व फोर्टीन, छह क्वेश्चन फिर एक लास्ट सेट करेंगे, मेक इट फास्ट। चलो सर बोलो सर, मुझे वो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन में आपने जो सेकंड वाला समथिंग वो चेन वाला दूसरा वाला फॉर्मूला बताया, आई डिडंट अंडरस्टैंड दैट, मतलब कैसे आया वो? जस्ट डिवाइड बाय जी, इफ ए इज इक्वल्स टू नथिंग बट दैट इज डीवी बाय डीटी, बराबर ना। लेकिन अभी अपने को एज अ फंक्शन ऑफ एक्स चाहिए, तो अपने को डिवाइड बाय डीएक्स करना है, मल्टीप्लाई बाय डीएक्स करना है, ओके okay? थोड़ा लिख के बताओ, समझ। अरे तो स्क्रीन पे ही लिख रहा हूँ, दिख ही नहीं रहा है मेरे को तो। है? ये क्या है? हाँ हाँ I got it, हाँ। ए, ऐसा मत कर रहे बेटा। यहाँ पर dv by dt रखेंगे, dv by dx into dx by dt, अभी dx by dt क्या होता है बेटा, what is dx by dt? That is the velocity, na? हाँ सर। तो v into dv by dx हो गया, ये नया formula आ गया, खत्म। अच्छा, हाँ हाँ I got it, thank you sir। Okay बेटा, fourth वाला क्यों नहीं समझा बेटा? कौन किसको नहीं समझा? Fourth वाला कौन था? ये कोई तो था अभी। सानिका, सानिका acceleration जो तेरे को दिया है बेटा, as a function of time दिया है, बराबर ना? उसको integrate करके पहले total acceleration निकाल ले, ठीक है? तो यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ एक एसी के जगह पे 80 डाल दे एंड वी आर इंटीग्रेटिंग विद रिस्पेक्ट टू डीटी, सो 80 का वैल्यू ए इंटू टी स्क्वायर बाय 2 आएगा और फिर वही एक्सीलरेशन को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दे, खत्म। सर उधर टाइम भी है ना? हाँ तो ये टाइम इधर एक्स्ट्रा लिया ना मैंने, इधर डीटी लिया ना, यही डीटी है वो,
उसी को तो इंटीग्रेट किया हो ना, उसके साथ तो इंटीग्रेट किया हो ना, ये जो टोटल एक्सेलरेशन है उसको इंटीग्रेट किया ना इधर, ऐसा है ना विद रिस्पेक्ट टू डी टी, तो डी टी टाइम आया ना, इधर टाइम अपन ने एक्स्ट्रा लिए ना, वो यही टाइम है, समझी? हाँ ओके सर, सब हो गया, 70 नहीं आया। तो बात नहीं, कौन सा नहीं आया तेरे को? 17th। तो पहले ये 6 करना भाई, बाद में 17th की बात करते हैं। बच्चा लोग ये 6 एमसीक्यू हो गए, कर रहे हो कि मैं करवाऊं? कर रहे हैं, रुको फिर कर रहे हैं। हाँ हाँ आराम से, कहाँ जा रहे हो अपना? आंसर चैट बॉक्स में देते जाओ प्लीज।
चलो आगे बात करते हैं, एक सॉल्व कर लेते हैं, पूजा को एक नहीं आया। और कोई डाउट है एनीवन? इवनिंग बैच वाले कर रहे सॉल्व के नहीं कर रहे, सिर्फ ऐसे बैठे? सहानी सर एक बार क्वेश्चन क्वेश्चन दिखा दो ना, ये समझ में आ रहा है? हाँ कौन से क्वेश्चंस दिखा दीजिए। अच्छा वो दिए थे वो वाले, एक मिनट, मुस्कान को भी एक नहीं आया। ले बेटा चलो एट करते, पहले बहुत लोगों के डाउट है, फिर जो आप लोग बोलोगे वो मैं सॉल्व करता हूँ। एट क्वेश्चन में क्या बोला बेटा? हाँ अच्छा क्वेश्चन, द एवरेज वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी मूविंग विद अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस, आपको डिस्टेंस ट्रैवल बाय द बॉडी आपको दिया हुआ है, दैट इज 3.06 मीटर, इस वेलोसिटी इज गिवन अस 0.34 मीटर पर सेकेंड। इफ द चेंज इन वेलोसिटी मतलब डेल्टा वी is nothing but that is given as 0.18 meter per second, during this time the uniform acceleration will be, तो acceleration का formula क्या होता है? That is change in velocity upon time होता है ना? अपने को change in velocity दिया है, time नहीं दिया है, तो यहाँ से निकालो ना, velocity will be equals to displacement upon time, तो time का formula that will be displacement upon velocity. That is given as 0.03 अभी a का वैल्यू दैट इज चेंज इन वेलोसिटी 0.18, टाइम इज 9, आंसर विल बी 0.02 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आंसर एग्जैक्ट आ रहा है ऐसे? हाँ सर आया एग्जैक्ट। हाँ सर 9 आ रहा है। एग्जैक्ट 9 आएगा भाई, बिकॉज 340 माइनस 34 करेगा तो 306 आता है, तो 9 टाइम्स ही जाएगा। सर बोलो सर, ये चेंज इन वेलोसिटी दिया था 0.34 से माइनस करेंगे 0.18 फिर डिवाइड करेंगे 9 से। क्यों भाई? डायरेक्टली चेंज इन वेलोसिटी दिया है तो क्यों करने का? एक्सेलरेशन इज चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम ना, और ऊपर एवरेज वेलोसिटी दिया है। क्या एवरेज वेलोसिटी दिए ना, तो उसका टाइम ही निकलेगा। तो एवरेज वेलोसिटी इज टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टाइम निकालो सर। पर इधर 0.18 चेंज इन वेलोसिटी दे दिया कि हमको सबट्रैक्ट करके चेंज इन डायरेक्टली डायरेक्टली दिया है। पढ़ो ना क्वेश्चन, इफ द चेंज इन वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज 0.18 मीटर पर सेकेंड, मतलब ढूंढना नहीं है, वो डायरेक्टली दिया है आपको चेंज इन वेलोसिटी, आपको कुछ सबट्रैक्ट वबट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं है। इज दैट क्लियर? हां यस सर। चलो कॉपीड डन, एनी अदर क्वेश्चन? 6 7 8 में से एक तो करवा दिया, 6 7 में कोई डाउट है क्या? मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए, बेसिकली सिंपल एकदम 6 और 7 वाला तो है ना। हाँ सर कोई डाउट नहीं है उसमें। चलो आगे बात करते, 6 7 8 हो गए, फिर 9 12 और 14 के अंदर पीपल 9 12 एंड 14 9th वाला क्वेश्चन अगर देखा जाए, द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस इज गिवन एज, मतलब डिस्प्लेसमेंट और टाइम के वैल्यूज आपको दिए गए हैं, डिस्प्लेसमेंट -2 है एट टाइम टी इक्वल टू 0, फिर डिस्प्लेसमेंट टाइम टी इक्वल टू 1 सेकेंड 2 सेकेंड 3 सेकेंड, 1 सेकेंड पे 0 हो गया, 2 सेकेंड्स पे 6 हो गया, 16 हो गया। नाउ एज यू कैन सी द
जब टाइम बढ़ता जा रहा है तो आपका जो डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू जो है वो यूनिफॉर्मली चेंज नहीं हो रहा है, इट इज नॉट इंक्रीजिंग इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, बराबर ना। तो यहाँ पर ये जो मोशन होगा वो क्या होगा, अगर डिस्प्लेसमेंट आपका चेंज हो रहा है तो वेलोसिटी भी चेंज होगी, तो वेलोसिटी चेंज होगी तो यहाँ पर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस तो होगा, लेकिन वो एक्सेलरेशन आपका क्या होगा बेटा, वो आपका यहाँ पर यूनिफॉर्म नहीं होगा, नॉन यूनिफॉर्म होगा, इज दैट क्लियर। और एक्सेलरेशन ही होगा, डिसेलरेशन नहीं होगा, बिकॉज यहाँ पर डिस्टेंस आपका टाइम के साथ बढ़ रहा है, तो डिस्टेंस टाइम के साथ बढ़ रहा है तो वेलोसिटी भी टाइम के साथ बढ़ेगी, और एक्सेलरेशन यहाँ पर आपका पॉजिटिव एक्सेलरेशन होगा, लेकिन यूनिफॉर्म नहीं होगा, नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगा, ठीक है। इट विल बी अ नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन, मेरे हिसाब से ऑप्शन सी बैठेगा नाइन्थ का, ठीक है। सर ये रिपीट करो ना, मैं डिस्कनेक्ट हो गई थी। हाँ मैं वही काम करते बैठे रहूं सबके लिए। यहाँ पर एज यू कैन सी आपका जो डिस्प्लेसमेंट है वो टाइम के साथ यूनिफॉर्मली चेंज नहीं हो रहा है, मतलब टाइम बढ़ने पे डिस्प्लेसमेंट बढ़ नहीं रहा है, ठीक है, मतलब डिस्प्लेसमेंट जो है वो इक्वल अमाउंट में नहीं बढ़ रहा है, ऐसा बोल रहा हूँ। तो यहाँ पर एज यू कैन सी टाइम जीरो है तो डिस्प्लेसमेंट माइनस टू है, टाइम वन है तो डिस्प्लेसमेंट जीरो है, टाइम टू है तो डिस्प्लेसमेंट सिक्स है, एंड देन 16 है। तो बेसिकली डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट आपका इंक्रीज तो हो रहा है, लेकिन लीनियरली इंक्रीज नहीं हो रहा है, यूनिफॉर्मली इंक्रीज नहीं हो रहा है, नॉन यूनिफॉर्मली इंक्रीज हो रहा है, बराबर के नहीं। तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट इज इंक्रीजिंग विद टाइम, बट इन केस ऑफ नॉन यूनिफॉर्म। तो डिस्प्लेसमेंट अगर इंक्रीज हो रहा है तो वेलोसिटी भी इंक्रीज होगा, मींस देयर विल बी एन इंक्रीज इन वेलोसिटी, सो देयर विल बी एन एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड एंड दैट विल बी पॉजिटिव बट नॉट यूनिफॉर्म, दैट विल बी नॉन यूनिफॉर्म, ठीक है। थैंक यू। ओके बेटा, नाइन्थ के बाद कौन सा दिया है भाई, बारह दिया है ना, हाँ बारह कचरा है बेटा, बारह और चौदह, हाँ बारह और चौदह के अंदर वो भी फॉर्मूला यूज करना है, याद करो बताया था अभी, u प्लस ए बाई टू इंटू टू एन माइनस वन वाला, बराबर ना, डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी इन द nth सेकंड वाला फंडा यूज करना है। चलो कर लिया या करना बाकी है, 12th और 14th हो गया सर, हाँ जिसको नहीं आया उसके लिए हिंट दे दिया हो बेटा, जरा सॉल्व कर लेना प्लीज, ये फॉर्मूला यूज करेंगे 12th और 14th के लिए, ओके। अभी नेक्स्ट, और फिर भी सॉल्व करने के बाद भी नहीं आ रहा तो मुझे बोलो, मैं सॉल्व करता हूँ, इतना स्ट्रेस मत लो, लेकिन सॉल्व करो और बताओ मुझे आया कि नहीं आया। सर अभी 15, 16, 17 हाँ 15, 16, 17 इफ आई टॉक अबाउट दिस थ्री क्वेश्चन, 15th के अंदर भी कचरा है, देखो 15th वाला कर लेता हूँ, यही फॉर्मूला यूज करेंगे, करने दो मतलब किए नहीं हो क्या अभी तक सर, आपने तो बोला दो ही सेट किया नहीं आपने, 15 का सेट बाकी था। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ अभी कर लो, चलो तीन क्वेश्चन कर लो फटाफट, जल्दी फटाफट 5 मिनट्स जल्दी ट्राई करो, और जिसको इसके ऊपर वाले में 12th और 14th में भी कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं मुझे, चैट बॉक्स में लिखो। 14 आ गया,
सर 17 नहीं आया, बाकी आ गया। चलो हो गया क्या? 15, 16 हो गए। अच्छा इनका डी है क्या? ठीक है, तुम्हारे पास भी आंसर है बेटा। सर हाँ क्या बोला आपने अभी? 16 डाउट 17 डाउट, ऐसा मत करो मेरे साथ तुम लोग, सब डाउट 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 डाउट। 16 तो जो आपने फॉर्मूला दिया वही था, वही ना, इन लोगों को वो भी नहीं मालूम है, अभी फॉर्मूला दिया है मैंने। तो 2 भी वाला ना। अरे ये रहा, अच्छा ये रहा फॉर्मूला, यही तो पूछा है, मैक्सिमम वेलोसिटी अल्फा के जगह पे ए दिया है, बीटा के जगह पे बी दिया है, लेकिन ले आंसर आ जाएगा ए इंटू बी इंटू टी अपॉन ए प्लस बी, ऑप्शन है 16 का। हाँ सर, सॉरी। तुम लोग जो मेरे सिनॉप्सिस देखते हो उसको वैल्यू नहीं करते, इम्पोर्टेंस नहीं दे रहा तुमको, जो कंसेप्ट पढ़ा रहा हूँ मैं तुम लोग को वो सब देख समझ के ही सब पढ़ा रहा हूँ, डायरेक्टली 16 का आंसर मिल गया, बराबर ना? देखो क्वेश्चन पढ़ो 16 के अंदर। अ बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एक्सेलरेटेड एट अ कांस्टेंट रेट ए फॉर सम टाइम, फिर डिसेलरेट होती है बी से, फिर फाइनली कम टू रेस्ट, मैक्सिमम वेलोसिटी इज गिवन बाय द फार्मूला a * b * t / a + b, दैट्स इट, क्लियर? यस सर।
सिक्सटींथ हो गया, फिफ्टींथ आया ना बच्चा लोग? हाँ सर, हाँ सर, ओके सर, सेवेंटीन में आया, सेवेंटींथ करते हैं, चलो सर उसका क्या, उसका सिर्फ क्या फॉर्मूला ऐसे तो कुल चीज यूनिट प्लस आते थे इसको ये तो होता है ना तो कोई क्वेश्चन ऐसा करता है ना चलो 17 डे को ना ट्राई करोगे यूज ऑफ इक्वेशन s इक्वल्स टू ut प्लस r पे स्क्वायर किसको आया ये क्वेश्चन अक्षय नितिन हां मुझे आया सर वेरी नाइस गोस्वामी आया क्या ज्योतिका ज्योतिका मुझे आंसर 6 आया पर पीछे 8 दिखा रहा है मैंने यही फार्मूला यूज किया था आंसर 8 है चलो करे मैंने हिंट दिया वो ट्राई करो यूज करना है तो कर सकते हो मैंने सर मैंने किया था ये फॉर्मूला से नहीं आ रहा था मेरा भी नहीं आया पहले दोनों के डिस्टेंस निकालो दोनों को सबट्रैक्ट करो फाइनल फाइनल डिस्टेंस निकाल लो सर मेरे को 8.4 आया 8.4 आया कुछ अप्रोक्स मेरा बच्चा डायरेक्ट आंसर आता है 8 हां हां चलो मैं करवाता हूं 17th question, everyone. Question number 17. A bus begins to move with an acceleration of 1 meter per second. मेरे पास यहाँ पर एक मस्त टकाटक बस है जो मूव कर रही है with an acceleration of 1 meter per second square. ठीक है? A man who is 48 meters behind the bus start running. मतलब एक आदमी है इधर. ठीक है? जो भाग रहा है 48 मीटर पर सेकंड से नहीं हाँ 10 मीटर पर सेकंड से सॉरी यहाँ पर हमारे पास एक आदमी है बेटा ठीक है 10 मीटर पर सेकंड से भाग रहा है और जिनका डिस्टेंस बस से 48 मीटर्स पिछू है द मैन विल एबल टू कैच द बस मतलब ये आदमी कितने टाइम के बाद बस को पकड़ेगा ये पूछा है समझा क्वेश्चन मस्त तुम लोग को डायग्राम वायग्राम बना के दिखाया yes, sir. ठीक है अब देखो पहले यहाँ पर निकालो व्हाट इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बस ठीक है मैं बोलता हूँ डिस्टेंस कवर्ड बाय द बस उसको S1 ले लेते हैं तो S1 विल बी इक्वल्स टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर बराबर ना यस और नो अब इनिशियली शुरुआत में रेस्ट में है ठीक है तो U का वैल्यू जीरो ले लो तो S1 का वैल्यू आ जाएगा हाफ इंटू एक्सेलरेशन का वैल्यू 1 दिया है इंटू T स्क्वायर बराबर So the distance traveled by the bus will be equals to t square by 2 meters आ जाएगा, okay? अभी यहाँ पर distance traveled by the man निकालो. What's the distance traveled by the man? इसको s2 ले लेते हैं, ठीक है? तो s2 का value कितना हो जाएगा? Distance will be nothing but यहाँ पर formula use करेंगे speed into time, ठीक है? तो यहाँ पर I can say that velocity is equal to distance upon time. Distance will be speed into time. तो u into t हो जाएगा. So that will be U, S2 will be, U का वैल्यू आपको 10 दिया है तो ये 10-2 हो जाएगा है ना अब दोनों डिस्टेंस में डिफरेंस कितना है 48 है कि नहीं है हाँ सर यस और नो मेरे को इसका आंसर हाँ है ना मतलब यहाँ पर आदमी यहाँ पर S2 माइनस S1 इज इक्वल्स टू 48 बराबर दोनों में डिफरेंस 48 का है मतलब आई कैन से दैट 10t माइनस t square by 2 equals to 48 ठीक है so that turns out to be nothing but that will be cross multiply करो 20t minus t square equals to 96 तो ये t square को इधर लेके आ जाओ तो t square minus 20t plus 96 is equal to 0 अब t के दो वैल्यू निकालो देखो minus 12 minus 8 आएंगे बराबर ना So that will be minus 12t minus 8t plus 96 will be equal to 0. So 8t ka value aapko 12 mil jayega aur 8t ka value aapko 8 mil jayega. Option check karo, dono mein se koi ek answer hai. Mere hisab se 8 seconds will be the required answer. 12 aapke option mein hai. 12 negative mein aayega na par shayad. Ek minute hai beta. Nahi sir, positive aayega. Positive mein aayega na beta. Because minus 12 minus 8 दोनों को add करेंगे तो minus 20 आ रहा है
और माइनस 12 इंटू माइनस 8 करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 96 आ रहा है, तो माइनस दोनों माइनस माइनस ही आएंगे बेटा, इसीलिए टी का वैल्यू एक का 12 सेकंड मिलेगा, एक का 8 सेकंड मिलेगा, लेकिन यहाँ पर आई कैन से दैट ऑप्शन में 8 दिया तो 8 राइट रहेगा। समझा बच्चा लोग ऐसे क्वेश्चन? ठीक है, पहले दोनों के डिस्टेंस निकालने का, सब्ट्रैक्ट करके दोनों के डिस्टेंस को इक्वेट करने का जो डिस्टेंस आपको दिया हुआ है। चलो स्क्रीनशॉट ले लो, घर पे कॉपी कर लेना। डन? हाँ सर। यस सर। हाँ सर। ठीक है, आज यहीं पे स्टॉप करते हैं, नेक्स्ट टाइम यहाँ से आगे प्रोसीड करेंगे। अभी हम लोग का यहाँ पर मोशन अंदर ग्रेविटी बाकी रहेगा, ग्राफ बाकी रहेगा, तब से टू टॉपिक्स अलग है। ओके, एंड रिलेटिव मोशन, थ्री टॉपिक्स। सर 10:30 को यही लिंक पे आना है ना? हाँ 10:30 को यही लिंक पे आ जाइए फटाफट। ठीक है, मैं एग्जैक्ट 10:30 को शुरू कर दूंगा। ठीक है, बाय सर, थैंक यू सर। नाश्ता वास्ता कर लो, ब्रेक ले लो। ठीक है।